जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रिसर्च टीम रेगुलरली म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करके आपके लिए हर कैटेगरी में जो टॉप रिकमेंडेड फंड्स है उसकी लिस्ट लेकर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीरीज कंटिन्यू करते हुए आपके लिए एक और कैटेगरी के टॉप 3 रिकमेंडेड फंड्स का लिस्ट लेकर आए हैं। आज हम बात करें टॉप 3 मिड कैप फंड्स के बारे में फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन 2022। हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोसेस फॉर म्यूचुअल फंड्स बहुत ही एक्सटेंसिव है। हम ना केवल फंड्स के पिछले रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी को देखते हैं, बल्कि ज़्यादा ध्यान हम फॉरवर्ड लुकिंग पैरामीटर्स पर देते हैं, जैसे कि वैल्यूएशंस, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशंस, रिस्क मेजर्स एक्सेट्रा। अगर आप हमारे रिसर्च प्रोसेस के बारे में और जानना चाहते हो तो हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसको आप ऊपर दिए लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई और भी डाउट्स हो तो हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए 7217746224 एंड वी विल श्योरली आंसर योर क्वेरीज। कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, आज हम बात करेंगे टॉप मिड कैप फंड्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इनके पास रिटर्न्स के बारे में। हम इन फंड्स के पोर्टफोलियो पर भी ब्रीफली नजर डालेंगे और इनके फीचर्स को भी देखेंगे, तो जरूर इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आइए देखते हैं कि हमारे लिस्ट पर टॉप 3 रिकमेंडेड मिड कैप फंड्स कौन से हैं। सबसे पहले तो है इडलवाइज का मिड कैप फंड, दूसरा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और तीसरा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इससे पहले कि हम फंड्स के डिटेल्स में जाएं, आइए एक बार देख लेते हैं कि मिड कैप कैटेगरी क्या है। मिड कैप फंड्स वो फंड्स हैं जो कि अपने पैसों को मिड कैप कंपनीज की इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में लगाते हैं। मिड कैप कंपनीज बाय डेफिनेशन वो कंपनीज हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 101st से लेकर 250th रैंक के बीच में आती हों। ऐसे कंपनीज ने पास में अच्छी ग्रोथ दिखाई होती है और जनरली अपने सेक्टर या इंडस्ट्रीज के चैलेंजर्स होते हैं। इनमें फ्यूचर में भी ग्रोथ के बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। चलिए एक एक करके तीनों फंड्स के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इडलवाइज मिड कैप फंड के साथ। इडलवाइज मिड कैप फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31st December 2021 ₹1,865 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.08% का। फंड का NAV एज ऑफ 7th February 50.065 का था। आइए इसके पास रिटर्न्स को देखते हैं। इडलवाइज मिड कैप फंड ने पिछले 1, 3 और 5 साल के टाइम फ्रेम्स में अपने बेंचमार्क से मिलते जुलते ही रिटर्न्स दिए हैं। एक साल में फंड के रिटर्न्स 34.11% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 35.98%। 3 और 5 साल के पीरियड में फंड के रिटर्न्स 26.67% और 18.27% के थे रिस्पेक्टिवली। लॉन्गर टाइम फ्रेम यानी कि 10 सालों के पीरियड में फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बढ़िया से आउट परफॉर्म किया है। फंड ने एवरेज एनुअल रिटर्न्स 21.45% के दिए हैं। इडलवाइज मिड कैप फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2007 में हुआ था और तब से फंड के एवरेज रिटर्न्स 12.16% के थे। चलिए फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को भी देख लेते हैं। फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 59 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो में एम्फोसिस की है विथ 4.51%। सेकेंड हाइस्ट वेटेज SRF में है 3.94% की। उसके बाद टाटा पावर कंपनी में 3.92%। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल वेटेज पोर्टफोलियो का 31.73% का है। सेक्टर वाइज बात करें तो फंड काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। हाइस्ट वेटेज फाइनेंशियल्स की है विथ 14.30%। उसके बाद हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में 9.87% और 9.17% इन्वेस्टेड है। टॉप 3 सेक्टर्स में टोटल वेटेज 33.34% की है। फंड के वैल्यूएशन फेयर लग रहे हैं। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 3.60 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 27.20 का। ये तो था अबाउट द इडलवाइज मिड कैप फंड। चलिए अब अपने लिस्ट पर जो दूसरा फंड है उसकी बात करते हैं। ये है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड्स इन दिस कैटेगरी। फंड का AUM एज ऑफ 31st December 2021 11,906 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.66% का। फंड का NAV एज ऑन 7th February 2048.6172 रुपीज़ का था। चलिए इस फंड के पास रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने पिछले 1, 3 और 5 सालों के टाइम पीरियड में बेंचमार्क के सिमिलर रिटर्न्स ही दिए हैं। लास्ट एक साल में फंड के रिटर्न्स 36.23% के थे। 3 और 5 साल के पीरियड में एवरेज रिटर्न्स 25.92% और 17.69% के रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड ने अपने बेंचमार्क को स्लाइटली अंडर परफॉर्म किया है। फंड के एवरेज रिटर्न 17.16% के रहे हैं वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 18.94%। फंड का इंसेप्शन अक्टूबर 1995 में हुआ था और तब से इस फंड के एवरेज रिटर्न्स 22.43% के थे। चलिए अब फंड के कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए इसके स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को भी देख लेते हैं। फंड में टोटल 86 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो में वरुण बेवरेजेस की है विथ 4.60%। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वेटेज चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स की है विथ 3.30% और थर्ड हाईएस्ट एम्फोसिस की विथ 3.20%। टॉप 10 स्टॉक्स का टोटल वेटेज पोर्टफोलियो में 30.62% का है। सेक्टर वाइज फंड का पोर्टफोलियो फाइनेंशियल्स में ओवरवेट है एट 19.66%। इसके बाद सर्विसेज और FMCG में 11.14% और 9.71% इन्वेस्टेड है रिस्पेक्टिवली।
टॉप 3 सेक्टर्स में पोर्टफोलियो का 40.51% इन्वेस्टेड है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के भी वैल्यूएशन फेयर लग रहे हैं। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 3.96 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 27.01 का। अब आते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी फंड पर, जो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। फंड का AUM एज ऑफ 31st December 2021 ₹31,442 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.73% का। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का NAV एज ऑन 7th February 91.655 का था। आइए फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं। फंड की परफॉर्मेंस 1, 3 और 5 साल के पीरियड्स में बेंचमार्क के मुकाबले बहुत अच्छी नहीं रही। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने लास्ट एक साल में 32.22% के रिटर्न्स दिए वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 35.98%। 3 और 5 सालों के पीरियड में फंड के रिटर्न्स 21.93% और 14.66% के थे। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने हाउएवर 10 साल के पीरियड में बेंचमार्क का आउट परफॉर्म किया है। फंड के एवरेज रिटर्न 19.67% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 18.94%। फंड का इंसेप्शन जून 2007 में हुआ था और तब से फंड ने 16.45% के एवरेज रिटर्न दिए हैं। चलिए इस फंड के भी स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं। फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 65 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की है विद 4.61%। उसके बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में 4.39% और 4.25% इन्वेस्टेड है रिस्पेक्टिवली। पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक्स की टोटल वेटेज 35.97% की है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड फाइनेंशियल्स और इंजीनियरिंग में ओवरवेट है विद इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 18.52% एंड 16.23% रिस्पेक्टिवली। थर्ड हाईएस्ट वेटेज केमिकल सेक्टर्स में है विद 11.22%। टॉप 3 सेक्टर्स में मिलाकर टोटल पोर्टफोलियो वेट 45.97% का है। फंड के वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 2.83 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 19.21 का। ये तो थे हमारे टॉप 3 रिकमेंडेड मिड कैप फंड्स के पास रिटर्न्स और इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन। आइए अब एक बार इनके एग्जिट लोड्स देख लेते हैं। इडलवाइज मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में से अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर रिडीम करते हैं तो रिडेम्पशन पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एक साल के बाद रिडीम्ड यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में से अगर आप अपने यूनिट्स को 30 दिनों में रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है रिडेम्पशन अमाउंट पर। 30 दिनों के बाद रिडीम्ड यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि तीनों ही फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट्स प्राइमरीली डोमेस्टिक इक्विटीज में करेंगे तो इन पर जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स इक्विटीज की तरह ही लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो जो भी गेन्स होंगे उन पर आपको 15% का कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर आप यूनिट्स को एक साल के बाद बेचेंगे तो गेन्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1,00,000 रुपये से ज्यादा हो तो। ये तो था ऑल अबाउट आर टॉप 3 रिकमेंडेड मिड कैप फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 2022। प्लीज नोट, हमने इन फंड्स को किसी भी पर्टिकुलर रैंक या ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं किया। अगर आप जानना चाहते हो कि इनमें से कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने में मदद चाहते हो तो अभी हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए 7217746224। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ 2 से 3 वर्किंग डेज में जुड़कर आपकी मदद जरूर करेंगे। अब आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऐप जेट फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आपको देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह मिलती है बिफोर यू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेट फंड्स।